पिछले साल जब बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने महाराजा शिवाजी के वीर सावंत तानाजी मालसुरे के जीवन पर एक फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर बनाने का ऐलान किया तो इतिहास के गर्त में समाया ये योद्धा अचानक सुर्खियों में आ गया। दरअसल ये फिल्म सन 1670 में हुई सिंहगढ़ की लड़ाई पर आधारित होगी, जिसमें केवल 300 मराठी सैनिकों ने तानाजी की अगुवाई में मुगलों का किला छीन लिया था। आइए जानते हैं वीर योद्धा तानाजी के बारे में। तानाजी मालसुरे मराठा साम्राज्य के एक सेनापति थे। तानाजी पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अटूट विश्वास था। मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध योद्धाओं में से तानाजी एक ऐसा नाम था जो अपने वीरता और अपने महाराज के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक माने जाते थे। तानाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक साथ कई युद्ध लड़े और उसमें जीत भी हासिल की। सिंहगढ़ की लड़ाई का विगुल बज गया था। सभी मराठा योद्धा इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार थे, लेकिन तानाजी अपने पुत्र के विवाह में व्यस्त थे। युद्ध की खबर सुनते ही तानाजी अपने बेटे की शादी छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़े। शिवाजी का प्लान था कि कोडाणा को पूरे मराठा साम्राज्य में मिलाया जाए। तानाजी ने युद्ध की कमान अपने ऊपर लेकर 300 सैनिकों के साथ कोडाणा के लिए प्रस्थान किया। कोडाणा का किला शिवाजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वो किसी भी हाल में इसे जीतना चाहते थे। अपने 300 सैनिकों के साथ तानाजी कोडाणा पहुंचे। तानाजी और उनके 300 सैनिक रात में किले के पश्चिम भाग से अंदर घुसने का प्रयास करने लगे, लेकिन किले में घुस नहीं पा रहे थे। 3 प्रयासों के बाद एक स्त्री की मदद से तानाजी और उनके 300 साथी किले के अंदर घुसने में सफल हो गए। शिवाजी ने तानाजी के साथ मिलकर जमकर युद्ध किया। इस युद्ध में तानाजी एक बहादुर योद्धा की तरह लड़ रहे थे और दुश्मनों को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंत में तानाजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और ये लड़ाई शिवाजी ने जीत ली। इस युद्ध में तानाजी का एक महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए शिवाजी ने कोडाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया। तानाजी को लेकर महाराष्ट्र में एक कहावत प्रचलित है कि किला आ गया है लेकिन शेर चला गया।